रात्रि क्लास चल रहा था 5/11/1966। दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। जो पूज्य देवी देवता थे वही जब राजा रानी पुजारी बनते हैं तो प्रजा भी पुजारी बन जाती है। यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। तो बस वही पुजारी प्रजा भी और पुजारी राजा भी दोनों। कौन कौन दोनों? राजा और उनकी प्रजा दोनों उनको माथा टेकते हैं। उनको कह के बहुत दूर क्यों कर दिया है? इसलिए दूर कर दिया कि सतयुग में जो नारायण बनते हैं 8 उतरती कला वाले। कैसी कला वाले? उतरती कला वाले। और उनकी जो भी प्रजा बनती है वो भी उतरती कला वाली। वो जब द्वैतवादी द्वापर युग में आते हैं, द्वैतवादी देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आते हैं तो क्या बन जाते हैं? जो पूज्य थे सो पुजारी बन जाते हैं। और वो पूज्य और पुजारी सतयुग के 8 गद्दियों के 8 नारायण और उनकी 8 प्रकार की प्रजा उनको माथा टेकते हैं। किनको? उनसे भी कोई ऊपर हुए हैं? कौन? संगम युगी जो नारायण हैं, जो कोई को माथा नहीं टेकते, उनसे ऊपर कोई देहधारी है और देह को धारण करने वाली आत्मा है? है? नहीं है। वो रचयिता हैं। और बाद वाले सब रचना है। तो जो रचना है वो उन रचयिता को माथा टेकते हैं। तो ये सभी प्रदर्शनी में समझानी देनी होती है। क्या बाबा क्यों बोल रहे हैं? क्या 1966 में ये समझानी नहीं दी जाती थी? है? दी जाती थी या नहीं दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। इसलिए बोला कि ये सभी बातें प्रदर्शनी में समझानी देनी होती हैं। राजाएं भी आएंगे, ऐसे नहीं कोई समझे कि भक्ति मार्ग में वो राजाएं नहीं आएंगे, पुजारी नहीं बनेंगे। जबकि अभी गवर्नर का भी आ गए हैं बच्चों को निमंत्रण। किसका निमंत्रण आ गए?
गवर्नर का भी आ गए हैं बच्चों को निमंत्रण, तो राजाएं भी आ जाएंगे। माना जो आज की दुनिया के गवर्नर हैं उनके निमंत्रण बच्चों को आ रहे हैं ना, उस समय कोई गवर्नर रहा होगा तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बुलाया। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी पहले सतयुग में क्या थे, पूज्य देवता थे या नहीं थे, भले प्रजा वर्ग में थे या राजा वर्ग में थे, पूज्य थे ना है? उनको गवर्नर जैसा जो राजा है, एक तरह का आज की दुनिया का गवर्नर स्टेट का राजा है ना, तो राजाएं भी आएंगे, राजाओं को भी निमंत्रण मिलेंगे आखिरी में। वो चिट्ठी में भी समझा सकते हैं उन राजाओं को जो आज के कलयुगी राजाएं हैं, उनको समझा सकते हैं कि आप पूज्य देवी देवता थे, अभी क्या है, अभी राजा है या नहीं है, बिगर लाइट के ताजवारे राजा हैं या नहीं है, है? बिगर लाइट के ताज वाले राजा तो हैं, और अभी तो ताज भी नहीं है, स्थूल द्वापर में राजाओं को होता था या नहीं, राजाओं को ताज होता था, और आज जो गद्दी पे बैठे हैं आज की गवर्नमेंट में, उनको उनको ताज भी नहीं है। क्यों, कौन सा ताज, प्योरिटी की ताज की लाग की बात तो छोड़ दो, लेकिन जिम्मेवारी का ताज भी नहीं है। कौन सी जिम्मेवारी, कौन सी जिम्मेवारी, कि हम इस देश को, हम इस राज्य को राम राज्य बनाएंगे, देवताओं का राज्य बनाएंगे, सुख का राज्य बनाएंगे। आज के नेता हैं जो गद्दी पे बैठते हैं, उनको जिम्मेवारी का ताज ये है नहीं है, फिर पुजारी बने तो उनको पूजने लगे, किनको, आज की जो नेताएं गद्दी पे बैठते हैं, गवर्नर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं या और कोई गद्दी पे बैठते हैं, तो किनको पूजने लगे, उन्हीं नर से नारायण बनने वाले जो आदि थे सृष्टि के आदि में, उनको पूजने लगे या नहीं पूजने लगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं बिरला मंदिर में या नहीं जाते हैं, और अभी उनको नूताज ताज है, जिम्मेवारी का ताज है, और प्योरिटी का लाइट का ताज तो है ही नहीं। अभी वो जिम्मेवारी के ताज का भी खलासा हो गया, क्या प्रजा के ऊपर प्रजा का जो राज्य है उसमें अब कोई की जिम्मेवारी नहीं रही, अभी फिर आकर के पूजते पूज्य बनाओ। बच्चों को कहा बाबा ने, क्या बनाओ उनको, फिर आकर के उनको पूजते पूज्य बनाओ, है राजयोग।
पूज्य कैसे बनाओ? पूजिते पूज्य क्या? सतयुग जो लक्ष्मी नारायण है और उनकी प्रजा है वो पूज्य है, और जो आदि वाली थी नरसे नारायण वो पूज्यते पूज्य और उनकी प्रजा भी पूज्यते पूज्य, उनको बनाओ, क्योंकि ये है राजयोग। कैसे बनाओ? इस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? क्या राज भरा हुआ है? है कि एक ऊंचते ऊंच को पहचान करके उसको याद करेंगे तो ऊंचते ऊंच बनेंगे, और अनेकों को याद करेंगे तो ऊंचते ऊंच नहीं बनेंगे। ये राज भरा हुआ है। और याद कब आती है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगी, नहीं तो याद नहीं आएगी। यहां रसगुल्ला क्या है? है? अरे वो रसगुल्ला भी तो गोल होता है, बहुत मीठा होता है, और ये यहां किसको याद करने की बात है? है ऊंचते ऊंच एक को, वो ऊंचते ऊंच एक जो गाया हुआ है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो गोल है या नहीं है? है कैसे गोल है? है अच्छा, त्रिमूर्ति के चित्र में, त्रिमूर्ति शिव के चित्र में कैसे गोल है? तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला पतित सो क्या बनते हैं? हैं पावन विष्णु बनते हैं, और विष्णु तो खड़ा हुआ है कि गोल है? है खड़ा हुआ है, और गोल तो है नहीं। और शंकर है, शंकर गोल है, बैठा है, वो भी गोल नहीं, तो फिर कौन गोल है? त्रिमूर्ति के चित्र में गोल कौन है? है कितनी बार बाबा बोलते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले पहले बाप का परिचय दो। किसको दो? बाप का परिचय दो। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचते ऊंचे कौन है? है कौन है ऊंचते ऊंचे? आप मत बोलिए ज्यादा, आप तो पीछे से सुनते चले आ रहे हैं। है त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचते ऊंचे कौन है? है शंकर। शंकर तो पुरुषार्थी है याद का, फर्स्ट सब्जेक्ट का पुरुषार्थी है या नहीं है? है पुरुषार्थी, पुरुषार्थ पूरा हो गया, तो जो पुरुषार्थी है वो संपन्न तो नहीं है? संपन्न है, जब संपन्न ही नहीं बना तो ऊंचते ऊंचे है, नहीं तो याद क्यों करता है? याद अपनते ऊंच को किया जाता है, या जो ऊंच नहीं होता है उसको किया जाता है? किसको याद करने से ऊंच बनेंगे? ऊंचते ऊंच को याद करने से ऊंच बनेंगे। वो शंकर तो खुद ही याद में बैठा हुआ, तो संपन्न तो नहीं कहा जाएगा,
शिव के मंदिर में भी देखो पुराने पुराणों में, कंपिल के रामेश्वर मंदिर में भी देखा होगा, बीच में शिवलिंग, मुखिया और आसपास देवताएं बैठे हुए हैं। उन देवताओं के बीच में एक मुख्य मूर्ति भी बैठी हुई है, कहीं शंकर को दिखाया जाता है देवताओं के बीच में, लेकिन वो तो देवता है ना, रचना है या रचयिता है? रचना है, तो रचना तो रचयिता से नीची होती है। रचयिता ऊंच या रचना ऊंच? रचयिता ऊंच। तो बताओ किसके साथ योग लगाना है त्रिमूर्ति में, जो ऊंच ते ऊंचे है? शिव बाप, शिव बाप इस सृष्टि पर आता है, पति सृष्टि पर, पतित तन में आता है, पतित तन में आते हुए भी, पतित सृष्टि में आते हुए भी बुद्धि योग से ऊंचे धाम में ही रहता है या लगाव पूर्वक नीचे आ जाता है? तो सदाकाल कहां का वासी है आत्मा से, बुद्धि रूपी आत्मा से कहां का वासी है? परम धाम का वासी। वहां तो ऊंचे नीचे का सवाल ही नहीं पैदा होता। परम धाम में ऊंचे नीचे होता है क्या? ऊंच और नीचे कहां होता है? हैं? इस सृष्टि पर होता है। तो बताओ त्रिमूर्ति की चित्र में ही है वो ऊंचे ते ऊंच इस सृष्टि का, और इसी सृष्टि में उसकी पूजा होती है। बताओ कौन है त्रिमूर्ति के चित्र में? कौन है? और ब्रह्मा कुमारियों को भी बाबा ने यही बात बताई थी, बीके में हमको भी यही बात बताई थी। क्या? पहले बाप का परिचय दो, बताया था ना। तो ब्रह्मा कुमारियां जैसे समझाती थी हम भी समझाते थे। क्या समझाते थे? कि त्रिमूर्ति का चित्र पहले रख दिया, और उसमें त्रिमूर्ति के चित्र से पहले 32 करोड़ वाला शिव बाबा का चित्र रख दिया। रखा या नहीं है? रखा। और समझाने लगे ये 32 गुणों वाला जो है वो ऊंचे ते ऊंचे है। अब बताओ कौन है, कौन सी आत्मा है? है शंकर। अभी तो बताया वो तो पुरुषार्थी है, वो तो खुद ही याद में बैठा हुआ है। हैं? नारायण। नारायण तो देवता है, देवता बना हुआ रचना है या रचयिता है? देवता रचयिता है। देवता मनुष्य को क्या बनाते हैं? हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो नारायण देवता है, बनने वाला है या देवता बनाने वाला है? बनने वाला है। तो ऊंची तो ऊंची कैसे हो गया? देवता को बनाने वाला ऊंची तो ऊंची हुआ। अरे शिवलिंग, तो वही तो ब्रह्मा कुमारी समझाती है। शिवलिंग का चित्र रख दिया, उसके चारों तरफ 32 गुण बने हुए हैं। कहते ये 32 गुणों वाला जो शिव बाबा है ये ऊंचे ते ऊंचे। अरे शिव को निर्गुण कहें या गुण वाला कहें? है वो तो निर्गुण निराकार है, सगुण तो देवताएं होते हैं गुणों के साथ। निर्गुण मनुष्य होते हैं या राक्षस होते हैं, उनमें कोई गुण नहीं। बाबा कहते भी हैं, एक निर्गुण बालकों की संस्था थी, है वो कहते थे मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। और शिव बाबा भगवान
राम भगवान ने किसकी सेना ली? क्या गुण होते हैं? अरे बंदरों में कोई गुण होते हैं? विकार? विकार तो अवगुण है, गुण कहाँ है? 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 जिन बंदरों की सेना ली वो बंदर भी कहते हैं मुझे निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पर हुई। अभी चार युगों की चार सीन वाली सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो दुनिया है, या जो चार सीन वाला ये ड्रामा है, इस ड्रामा में देवताएं गुणवान भी थे और कलयुग में वो देवताएं गुणहीन बन जाते हैं। इतने गुणहीन बन जाते हैं कि उनकी शास्त्रों में उपमा दी है बंदरों से। क्या? रावण को मनुष्य मिल गए। क्या? मनुष्य मिल गए। मनुष्य माने मन का उपयोग करें सो मनुष्य मिल गए। भगवान को मनुष्य नहीं मिले। क्या मिल गए? बंदरों की सेना मिल गई। अब इतना साल हो गए, कितने साल हो गए समझाते है? 78-80 साल होने जा रहे हैं, यही बात समझाते कि बच्चे पहले बाप को पहचानो फिर बाप का परिचय दो। तो अभी तक भी बोलते चले आ रहे और बच्चे बाप का परिचय नहीं दे पा रहे। बताओ अब विष्णु है, शंकर है या ब्रह्मा है, ऊंचे ते ऊंचे कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा का रूप क्या? अरे कुछ रूप है या नहीं है? शंकर वो तो हाथ पांव वाला, इंद्रियों वाला है। जिसको इंद्रियां हैं वो तो इंद्रियों से कर्म करेगा। शंकर को तो इंद्रियां दिखाई जाती हैं। याद में रहता है। याद संपूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है तो जरूर इंद्रियों की भी याद आती होगी। शंकर में कोई पार्ट नहीं है, शंकर का कोई पार्ट नहीं, तो फिर याद में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? जब कोई पार्ट नहीं है फिर इंद्रियां दिखानी नहीं चाहिए? इंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है। जब इंद्रियों का कोई पार्ट ही नहीं है तो इंद्रियां दिखानी नहीं चाहिए। लेकिन शिव बाबा कहते हैं मेरी एक ही इंद्रिय पूजी जाती है और देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, एक एक काम इंद्रियों को छोड़कर के। इसका मतलब और देवताओं ने काम इंद्रियों को 100% नहीं जीत पाया, एक ने जीता। जिसने जीता वो काम जीते जगत जीत कहलाता है। जगत का जीतने वाला एक होगा या अनेक होंगे, विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो वो विश्वनाथ कौन है? याद में बैठा हुआ शंकर का रूप या कोई दूसरा है? अरे भारत में पूजा भी जाता है, उसकी सबसे जास्ती पूजा भारत में और सारी दुनिया में भी दिखाई गई है खुदाइयों में,
लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली और शिव आत्माओं का बाप कहते हैं। मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं, तो बताओ ये शिवलिंग पूज्य है या नहीं है? है पूज्य है। और शिव बाप आत्माओं का बाप बेहद का बाप क्या कहते हैं? मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो ये शिवलिंग जो है पूज्य है या नहीं है? पूज्य है। तो किसकी यादगार है? वेश करता साकार है वो आप समान बनता है। हाँ, योगी है, योग लगा रहा है तो अपूर्ण है, और योग संपन्न स्टेज को पहुंच गया तो योगीश्वर है, योगियों का ईश्वर है, योगी राज है, योगियों का राजा है। तो राजा होगा तो योगियों को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? है, जैसे राजा प्रजा को कंट्रोल करता है, ऐसे ही योगियों का जो राजा है वो दुनिया के जितने भी योगी हैं उनको कंट्रोल करता है या नहीं करता है? है, करता है। तो जो कंट्रोल करता है उसकी यादगार कुछ दिखाई गई है? अच्छा, चार चित्रों में से बताओ। अच्छा, झाड़ के चित्र में बताओ। हाँ, झाड़ के ऊपर एकदम मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें सबसे ऊपर बैठा हुआ ऊंचे ते ऊंचा करता क्या कर रहा है? खींच रहा है आत्माओं को। क्या कर रहा है? आत्माओं को खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने उसको तो नहीं पहचाना पूरा, क्या पहचाना भी तो वो याद में बैठे हुए शंकर को पहचान लिया, या तो कृष्ण को कह दिया, कृष्ण माने आकर्षण करने वाला, वो सबको आकर्षित करता है। लेकिन वास्तव में न कृष्ण आकर्षण करता है न योग लगाने वाला अपूर्ण योगी शंकर याद कर आकर्षित करता है। आकर्षित कौन करता है? है संपूर्ण बना हुआ शंकर वाली आत्मा जब संपूर्ण बनती है तो षष्ठी रूपी वृक्ष के सबसे ऊपर बैठी हुई है चोटी पर। क्या? उसका नाम ही है ब्राह्मण चोटी। कैसी चोटी? ब्राह्मण चोटी। दुनिया में ऊंचे होते हैं पहाड़, और पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा? हिमालय पहाड़। और हिमालय में भी सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट है ना। तो जब जलमयी होगी, सारी दुनिया जलमयी में डूब गई, तो कोई चोटी बची होगी कि नहीं? है, माउंट एवरेस्ट बचता है। तो बाबा कहते हैं तुम जब पूरे ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो, देह अभिमान की दलदल में डूब जाते हो, तब मैं तुमको चोटी से पकड़ के खींचता हूं। कैसे पकड़ के खींचता हूं? चोटी से पकड़ के खींच लेता। अब बताओ वो चोटी कौन है जिसको पकड़ता हूं? शिव कहते हैं। है? हाँ जी, जिसको
बुद्धि योग से पकड़ के खींचा अपनी तरफ। तो जिसने खींचा वो हुआ शिव, बुद्धि योग से खींचा। और कैसे खींचा है, कैसे खींचा है, ज्ञान की डोरी से खींचा या स्नेह की डोरी से खींचा, प्यार की डोरी से खींचा। प्यार इंद्रियों से किया जाता है, चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवताएं हो, ज्ञान इंद्रियों से प्यार करने वाले, और चाहे वो नर से नारायण बनने वाला ही क्यों न हो, वो भी ग्यारहवीं इंद्रिय जो सर्वोपरि सबसे ऊंची इंद्रिय है मन। क्या मन जो वाइब्रेशन बनाता है, वो सब वाइब्रेशन से खींचता है किसको, लक्ष्मी को। वाइब्रेशन के आधार पर आकर्षित करके राधा कृष्ण का जन्म होता है। जो राधा कृष्ण अपने माँ बाप समान तो नहीं है, हैं? है वाइब्रेशन से बच्चे पैदा करते हैं नहीं, कैसे, ज्ञान इंद्रियों में जो सबसे ऊंची आंखें हैं, उन आंखों के आकर्षण से सृष्टि पैदा करते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा, क्या देखा है, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, सिर्फ वाइब्रेशन से आकर्षित कर रहे हैं, माने इंद्रियों का कोई आकर्षण नहीं है, इंद्रियों का कोई लगाव लगाव नहीं है। कौन सा लगाव है, मनसा का, वाइब्रेशन का। और उनके बच्चों को, लक्ष्मीनारायण के बच्चे नीचे दिखाए गए, उनको क्या आकर्षण है, है? हाँ, इंद्रियों का आकर्षण दिखाया गया। कर्म इंद्रियां नीची है और ज्ञान इंद्रियां ऊंची है। ज्ञान इंद्रियों में भी ऊंची इंद्रिय कौन सी, आप, तो आंखों का आकर्षण है। जो सृष्टि का पहला पत्ता है उनको भी काय का आकर्षण है, आंखों का आकर्षण है। उनके लिए पूजा, उनके लिए कहा क्या कि गिरती कला वाले हैं, इंद्रियों के आकर्षण से जो सृष्टि की पैदाइश करते हैं वो देह से कनेक्टेड हैं या नहीं है, और देह विनाशी है, देह विनाशी है। जब देह विनाशी है, देह की इंद्रियां विनाशी हैं, देह का इंद्रियां का आकर्षण विनाशी है, तो नीचे गिरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे, है, नीचे गिरते हैं। भले पहला पत्ता क्यों न हो सृष्टि का, नीचे गिरते हैं तो 16 कला संपूर्ण से कितने बनते हैं, पौने पौने 16 कला बन जाते हैं, और उसके बाद वाले नारायण तो और नीचे गिरते हैं। तो इसलिए बताया कि सतयुग के जितने भी 8 नारायण हैं, सारे भले पूज्य बनते हैं, उनकी प्रजा भी पूज्य बनती है, लेकिन फिर भी वो द्वापर युग में, द्वैतवादी युग में विधर्मी धर्म पिताओं, देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के क्या पुजारी बन जाते हैं। वो सतयुग के सारे राजाएं और उनकी सारी प्रजा पुजारी बन जाते हैं। किसकी पूजा करते हैं, मान लो सतयुग के 8 जो गद्दियां हैं उनमें ऊंचे से ऊंची गद्दी राधा कृष्ण पहला पत्ता, वो किसकी पूजा करते होंगे,
जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो उनके बाद वाले सारे ही किसकी पूजा करते हैं? है? उन्हीं अवलंबर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते। और वो किसकी पूजा करते होंगे जो अवलंबर लक्ष्मी नारायण है, नर से नारायण बनते हैं? वो कौन से देहधारी की पूजा करते होंगे? है? है? उनसे ऊंचा कोई है देहधारी? देहधारी की बात है, इस मनुष्य सृष्टि में जो देह धारण करने वाला हो कोई नहीं। इसलिए मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो एक ही आत्मा है इस सृष्टि पर जो सदा काल क्या है, कायम है। मन सत्य है या असत्य है? गीता में भी लिखा हुआ ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। क्या जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं हो सकता, और जो झूठ है असत्य है वो आज देखने में आता है कल नहीं होगा। जैसे धर्मखंड है, विदेशी विधर्मी धर्मखंड, बौद्धी धर्मखंड, चीन जापान, इस्लामी धर्मखंड, अरब देश, अफ्रीका, क्रिश्चियन धर्मखंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये आज से 2500 वर्ष पहले थे ही नहीं। और जब सारी शक्ति का एटम बमों से विनाश होगा, हर हर बम बम का विनाश होगा, तो ये सारे धर्मखंड रहेंगे ही नहीं। तो ये धर्मखंड, इनके धर्म और इनके धर्म पिता झूठे हैं या सच्चे हैं? है? झूठे हैं तो नहीं है, फिर सच्चा कौन है? कौन सा धर्मखंड सच्चा है, कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा धर्म पिता सच्चा है? है तो सच्चा, लेकिन फिर भी जो भारतवासी हैं वो विदेशियों के ऐसे प्रभाव में आते हैं, ऐसी प्रभावित होने वाली प्रजा विदेशियों की बन जाते हैं कि वो अपने धर्म पिता को भूल जाते, अपने धर्म को भूल जाते और अपने देश को भूल जाते। जो चैतन्य भारत खंड है उसको भी भूल जाते। क्या नाम है उस खंड का? जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य है। सत्य को कोई हिला ही नहीं सकता। स्वर्ग कहो, भारत में स्वर्ग कहते हैं, अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं, याद तो करते हैं ना, मुसलमान जन्नत कहते हैं, कहते हैं। लेकिन जो पक्के मुसलमान पक्के क्रिश्चियन हैं, जो दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होते, वो जानते नहीं है जन्नत के बारे में या पैराडाइज के बारे में। बोलते हैं हेवनली गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर कहते हैं, ये नहीं जानते हेवनली गॉडफादर क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेवन की रचना करने वाला है। हेवन की रचना करने वाले फादर को अगर जानते होते, मानते होते, समझा होता उसको, तो क्राइस्ट को मानते अपना बाप है? नहीं मानते। तो देखो उन विधर्मियों के, उन विदेशियों के संग के रंग में आकर हम भारतवासी देवात्मा संघ के रंग से क्या बन गए? एकदम भ्रष्ट बुद्धि बन गए। वो क्रिश्चियन अपने धर्म पिता का नाम जानते हैं, धर्म पुस्तक को जानते हैं,
मुसलमान अपने धर्म पिता को मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, अपनी धर्म पुस्तक को भी जानते हैं, और ये भारतवासी धर्म पिता को भूल गए और अपनी धर्म शास्त्र को भी भूल गए। क्या हाल हो गया संघ के रंग में आने से। यही देवताएं चारों युगों की जो शूटिंग पीरियड है संगम युग, उस शूटिंग पीरियड में जो पर्दे के पीछे रहने वाला ऊंच से ऊंच डायरेक्टर है, जिसे हेवनली गॉड फादर कहते हैं, हम परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, वो हेवनली गॉड फादर डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके हम सब के द्वारा, एक्टर्स के द्वारा, 500 700 करोड़ एक्टर्स के द्वारा क्या कराता है, ड्रामा की रिहर्सल कराता है, शूटिंग कराता है, सारे ड्रामा की रिकॉर्डिंग कराता है, है? इस रिकॉर्डिंग पीरियड में जिन्होंने इस राजयोग की बात को जाना है, क्या क्या राजयोग की बात, कि एक ऊंचते ऊंच को पहचान करके उससे योग लगाओ। कैसा योग? माम एकम याद करो। क्या मान लो कोई कन्या है और कन्या की शादी होने से पहले कोई पुरुष के साथ उसका संबंध जुट गया इंद्रियों का, फिर बाद में शादी हो गई, पहला ठप्पा जो लगा वो जीवन भर याद रहता है या नहीं रहता है कि भूल जाता है? है, याद रहता है। फिर शादी हो गई तो व्यभिचारिणी हो गई या नहीं हुई? याद व्यभिचारी आएगी या एक ही याद आएगी? है, कैसी याद आएगी? व्यभिचारी याद आएगी। तो ये राज की बात है राजयोग में, क्या कि ऊंचते ऊंचे एक को पहचान करके एक से योग लगाएंगे इंद्रियों का तो वो एक ही याद आएगा। औरों के साथ योग लग गया, संबंध जुट गया तो और भी याद आएंगे या नहीं आएंगे? है, याद का बड़ा भारी महत्व है। मिसाल, स्त्री सारा जीवन जिस पुरुष को और पुरुष के अंग को याद करती है, जिस अंग से उसने सुख महसूस किया है, तो मरते समय क्या याद आता है बताओ? अंतमते सोगते, क्या मते में आता है? मते माने बुद्धि। जिसको जीवन भर याद किया, जीवन भर जिससे सुख लिया, वो याद आता है या नहीं याद आता है? हैं? याद आता है तो अंतमते सोगते पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष का भी है, जीवन भर जिसके साथ संग का रंग लिया वो बुद्धि में याद जरूर आता है अंत समय में। ये याद का महत्व तो है। तो ये राजयोग की बात बताई कि ऊंचे से ऊंचे उस बाप को प्रैक्टिकल में पहचानो और पहचान करके फिर उसे याद करो, और एक को ही याद करो। योग लगाना है, चलो कानों से योग लगाना है, तो एक से सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान होगा, अनेकों से सुनेंगे तो
तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान होने से क्या होता है? ये होता है कि एक से सुना और फिर दूसरों से भी सुनने लगे और उन बातों को मानने लगे, दूसरे की बात समझ में आने लगी और प्रैक्टिकल जीवन में टैली किया, हाँ बात तो ऐसी है, हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे, बस छाप बैठ गई, दूसरे ने सुनाया पक्का हो गया। तो कान व्यभिचारी हो गए, इसलिए भक्ति मार्ग में भारत में ये मान्यता है जो सत्य माने सच्चा गुरु है, जिसको एक बार पहचान लिया कि ये सच्चा गुरु है, सदगुरु है, तो सदगुरु निंदा सुनिय न काना, क्या सदगुरु की निंदा कान से भी नहीं सुनना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, अगर सुना भी वह कहते हैं फालतू बात है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, हियर नो इविल, फिर उसका जवाब भी मत दो, टाक नो इविल, किनारा कर जाओ। लेकिन अगर किनारा न किया, रज रज के सुनना शुरू कर दिया, हाँ और सुनो अच्छा लग रहा है, तो क्या होगा है? कान व्यभिचारी बना या नहीं? कान व्यभिचारी बना, व्यभिचारी ज्ञान सुना, तो व्यभिचारी धर्म में जाना निश्चित है, यही कारण है कि 1976 जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मनाया, हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, मनाया ना, प्रत्यक्षता भी हुई, कोई ने जाना कोई ने 76 में नहीं जाना, तो जिन्होंने जाना तो जानने वाले परसेंटेज में होंगे या एक ही होंगे, है परसेंटेज में होंगे, तो जिसने 100% जाना वो 100% जानने वाला तो निश्चय बुद्धि रहता है, और जिसने नंबरवार पहचाना तो नंबरवार पहचानने वाले को थोड़ा बहुत कमी आएगी या नहीं आएगी, है एक घड़ा है भरा हुआ दूध का, उसमें एक बूंद विष का डाल दो क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। ऐसे ही जो हमने ज्ञान सुना बाप के बारे में, बाप की प्रत्यक्षता के बारे में, और उसमें एक बूंद ग्लानी का किसी ने डाल दिया, बस वो सारा का सारा बढ़ते 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 विष हो जाता है। जब विषैला हो जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? विष पीने से क्या रिजल्ट आता है? मौत, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। अनिश्चय बुद्धि है, खत्म हो जाते हैं, और निश्चय बुद्धि जीते रहते हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि है। हाँ, तो बताया कि सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बना रहना है तो क्या करना है? अपनी इंद्रियों को क्या बनाना है? व्यभिचारी या अव्यभिचारी? अव्यभिचारी बनाना, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, कोई भी इंद्रिय हो, भ्रष्ट इंद्रियां हो, श्रेष्ठ इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां हो, क्या करना है? अव्यभिचारी कनेक्शन रखना है, अव्यभिचारी इंद्रियों से संबंध जोड़ना है। अगर कोई भी व्यभिचार आया तो रिजल्ट क्या होगा? हाँ? क्या रिजल्ट होगा? एकलव्य रहेंगे, है एकलव्य नहीं रहेंगे।
इसलिए जब एक लव्य नहीं रहेंगे तो जो माया का फाइनल पेपर होगा उस पेपर में एक लव्य न होने के कारण क्या रिजल्ट होगा है? क्या होगा? फेल हो जाए। इसलिए बोला माया किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है। इसलिए जब द्वैतवादी युग आता है, मायावियों का राज्य आता है, रावण के 10 सिरों का राज्य आता है, धर्म पिताओं देहधारियों का राज्य आता है, तो सारे ही देवताएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, सबके ऊपर वो हावी कौन? माया हावी हो जाती है। शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ शूटिंग होती है? संगम में शूटिंग होती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। एक निश्चय बुद्धि सत्य बचा, अलफ को मिला अल्लाह, बस बे को मिला लेकिन अल्लाह नहीं मिला। क्या मिला? यज्ञ की बादशाही मिल गई, बस। तो रिजल्ट क्या होता है? जब भी द्वापर युग शुरू होता है कोई भी कल्प में, तो द्वैतवादी युग में एक ही आत्मा है जो विधर्मी आतताइयों से संघर्ष करती है, जन्म जन्मांतर संघर्ष करती है, और संघर्ष में विजयी होती है विधर्मी आतताइयों को, आक्रमणकारियों को हराए देती है, भगाए देती है कि उसके सामने ठहर जाते हैं। क्या होता है? हैं? भगा देती है। तो इस सृष्टि में, सारी सृष्टि में ट्रुथ इज वन या अनेक, ट्रुथ इज वन, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। क्या? गॉड इज ट्रुथ। अच्छा, गॉड इज ट्रुथ, तो वास्तव में फिर गॉड कौन सी आत्मा हुई? जो ट्रुथ है, अरे है, है? इस सृष्टि पर, इस सृष्टि पर एक ही शिव बाबा है जो सदा कायम है। तो सत्य कायम है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सते। सत्य काम है, कायम है, या झूठ भी कायम है इस सृष्टि पर? है सत्य कायम है, बाकी शिव तो गिनती में ही नहीं आता है। क्या? जो गिनती में आता है वो चक्कर में आ जाता है, जो गिनती में नहीं आता वो चक्कर में भी नहीं आता। उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो तुरीय है, सत्य तो है, उसका उसका किसी से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, वो तो सदा सत्य है, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, उसको अपना बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है या नहीं है? बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है या नहीं? बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है, लेकिन वो नेत्र खड़ा हुआ दिखाते हैं क्या? खड़ा हुआ नेत्र सदा शिव का है या राम का है? सदा शिव है, सदा शिव का है।
राम वाली आत्मा भी संगम युग में आकर के जब फाइनल युद्ध होता है, कौन सा फाइनल युद्ध, कौन सा फाइनल युद्ध है? नहीं, सन 36 में जब शिव आकर के प्रवेश करते हैं तो विकारों में पूरा डूब जाती है बुद्धि या नहीं डूब जाती है राम वाली आत्मा की, जिसकी चोटी पकड़कर खींचा जाता है उसकी बुद्धि विकारों में पूरी डूबती है या नहीं डूबती है? अरे ना, हाँ ना ना, डूब जाती है, तो उसको पकड़ के खींचता है। कैसे खींचता है? ये चोटी किस बात की निशानी है? ये चोटी के बाल किस बात की निशानी है? जटाएं किस बात की निशानी है? ज्ञान की जटाएं हैं। वो ज्ञान की जटाओं को पकड़ के खींचता है, जिनमें खून होता ही नहीं। क्या संकल्पों का खून, जो श्रेष्ठ संकल्पों का खून होना चाहिए वो विकारी बुद्धि में होता ही नहीं। तो शिव आकर के उसको चोटी से पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? चोटी से पकड़ते तो हैं, बुद्ध रूपी हाथ से ही पकड़ते हैं, लेकिन उस बुद्ध रूपी हाथ में सत्य भरा हुआ है तीनों कालों का। किसके बुद्ध रूपी हाथ में? शिव की बुद्ध रूपी हाथ में। तीनों कालों का सत्य क्यों भरा हुआ है उस आत्मा में? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से वो एक ही आत्मा है जो न्यारी है, और सब चक्र में आते रहते हैं, इसलिए सच्चाई किसी को पता ही नहीं, राम वाली आत्मा को भी पता ही नहीं। तो उस बुद्ध रूपी हाथ से शिव जो आत्मा है, सिर्फ आत्मा है, वो पकड़ के खींचा। जिन बालों में सत्ता का खून है ही नहीं, वो स्वयं क्या है? वो सिर्फ सत्य है, रजतम उसमें है ही नहीं, सदा सत्य है वो, सदा सत्य शिव। सत्य माने सच्चाई, उसके अंदर सच्चाई की जानकारी है या झूठ की जानकारी है? सच्चाई की जानकारी, 100% सच्चाई बताता है, बोलता है, इसलिए वो जो कुछ बोलता है उसका नाम वेदवाणी पड़ता है। विद माने जानना, विद माने जानना, विद्वान, जानकार। विद से बना है वेद, जानकारी का भंडार। तो हमारा जानकारी का भंडार क्या है? अरे, हम ब्राह्मणों का जानकारी का भंडार क्या चीज है जो उससे मिलती है? अरे मुरलियां। हमारा जानकारी का भंडार क्या हुआ? मुरलियां। हमारा वेद है, वेदवाणी है, भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले तो नहीं निकले, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। तो जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली वो वेदवाणी जो सदा सत्य है वो सुनाता है, और किसको सुनाता है और किसके द्वारा सुनाता है? है? किसके द्वारा सुनाता है? अरे ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, है? परम ब्रह्म के द्वारा सुनाता है वेदवाणी।
वेदवाणी का भी जो मूल है वो गीता है। पहले वेद नहीं निकले, पहले क्या निकली? पहले गीता निकली, सार स्वरूप ज्ञान का। ज्ञान का सार क्या है? है गीता। लोग समझते हैं वेद पहले निकले, पहले क्या निकली? यज्ञ के आदि में गीता का अर्थ सुनाते थे या वेदवाणी सुनाई? गीता के अर्थ सुनाते थे जो आदि में, वो ही गीता फिर अंत में प्रत्यक्ष हो जाएगी सारे संसार के सामने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ढेर सारे ग्रंथों को छोड़ करके, ढेर सारे शास्त्रों को अपने अपने को छोड़ करके क्या पकड़ेंगे? है गीता को पकड़ेंगे। वो गीता नहीं जो मनुष्यों ने लिखी, वेद व्यास वाली गीता नहीं। कौन सी गीता है? जो भगवान ने स्वयं आकर के मुख से बोली। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं आकर के मुख से बोलते हैं या लिखते हैं धर्मशास्त्र, क्या करते हैं? मुख से बोलते हैं। तो भगवान भी मुख से बोलता है, दुनिया भगवान का अनुसरण करती है, धर्म पिताओं ने भी भगवान का अनुसरण किया। बोलता है आकर के, बाद में लिखने वाले लिखा पट्टी करते हैं। तो शिव ने जो गीता बोली, उस गीता के बारे में माने वेदवाणी के बारे में बोला है। क्या बोला है? है वेदवाणी जो है मुरली बोल दिया भक्ति मार्ग में। भगवान ने क्या सुनाई? मुरली सुनाई। वो मुरली काठ की थी, काठ की मुरली थी या कोई और मुरली थी? ज्ञान मुरली काठ की नहीं थी। भक्ति मार्ग में जो सुनाते हैं, दिखाते हैं, वो काठ की नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मुरली दिखाते हैं वो काठ की नहीं है, काठ की है। शूटिंग कहाँ होती है? है कैसे है? है हाँ, जिसके द्वारा सुनाई वो मीठी मीठी वाणी, मीठी मीठी तान, जिसके द्वारा सुनाई वो कठ बुद्धि था। कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि था, समझता कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनता था और दूसरों को सुनाता था। तो उसका नाम पड़ गया काठ की मुरलिया, भक्ति मार्ग नाम पड़ गया। लेकिन वास्तव में उसी काठ की मुरलिया, उसी मुरली के बारे में भगवान बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, इसे अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? इस मुरली को ज्ञान मुरली कहेंगे लेकिन ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो मंथन करने से निकलता है। घी निकालना है, मक्खन निकालना है तो दूध को, दही को बिलोना पड़ता है ना, मंथन किया जाता है ना। तो ऐसे ही है, क्या जो भी ब्रह्मा के द्वारा कठ बुद्धि के द्वारा मुरली चलाई गई, मुरली की तान सुनाई गई, उस तान को वो काठ की मुरलिया कठ बुद्धि ने नहीं समझा और उनके फॉलोअर्स ने भी नहीं समझा, तो शिव बाप को फिर दूसरा रूप धारण करना पड़ता है। कौन सा रूप? सुप्रीम टीचर का। तो सुप्रीम टीचर का रूप किसके द्वारा धारण करे? 69
18 जनवरी को ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, जिस ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, मुरली निकली, तो किसके द्वारा सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाएगा? शरीर चाहिए या नहीं चाहिए, मुख चाहिए या नहीं चाहिए, तो कौन है? है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया, शंकर का तीसरी मूर्ति है ना, तो उसका पार्ट है बीच में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, 9 प्रकार के ब्राह्मण तैयार हुए, नंबरवार प्योरिटी को धारण करने वाले, लेकिन 9 प्रकार के जो ब्राह्मण हैं, वो सच्चाई को समझ नहीं सके। सत्य क्या है उसको, सत्य बाप को पहचान नहीं सके, क्योंकि उन ब्राह्मणों का जो बाप ब्रह्मा था, उसने बाप को पहचाना है? उसने ही नहीं बाप को पहचाना, तो दूसरे कहां से पहचानेंगे उनके जो परवर्ती हैं? तो शिव बाप को उस ज्ञान मुरलिया का यानी वेदवाणी का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, व्याख्या। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि वेदों की व्याख्या निकली आरण्यक, आरण्यकों की व्याख्या निकली शतपथ ब्राह्मण आदि, और उनकी भी व्याख्या निकली उपनिषद, और उपनिषदों की भी व्याख्या फिर बाद में निकली पुराण, भागवत पुराण, महाभारत पुराण, ये क्या है, रामायण पुराण, ये पुराण निकले। तो देखो ये व्याख्या जब तक न हो, गहराई से बात समझाई न जाए, तब तक बुद्धि में बैठेगी क्या? प्राइमरी स्कूल में कबीरदास के, तुलसीदास के दोहे चौपाइयां वगैरह सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, रटी जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे उनकी गहराई के अर्थ को समझते हैं? समझते हैं? नहीं समझते। जब ऊंची कक्षा में पहुंचते हैं, एडवांस ज्ञान लेते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, तो एक एक श्लोक के, एक एक चौपाई के, एक एक कवित्व के गहरे गहरे अर्थ निकलते हैं, गहराई से समझते हैं। ऐसे यहां भी वो जो वेदवाणी है भक्ति मार्ग में, आज वो वेदवाणी कोई पढ़ रहा है, वेद वेदों की वाणी को कोई सुनता है, वेद की ऋचाएं किसी ने सुनी, सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहता। यही कारण है शूटिंग कहां होती है, संगम युग में जब एडवांस ज्ञान मिल जाता है, उन्हीं मुरलियों का जो काठ की मुरलियां थीं, उनका विस्तार मिल जाता है, गहराई मिल जाती है, तो फिर उन मुरलियों को कोई पढ़ता नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं, उनमें से वो कोई थर्ड क्लास मुरली कागज की पढ़ता सुनता है, सुनाता है, है? नहीं, मुरली में ही बोला क्या? तो तुम जो कागज से पढ़ते हो, सुनते हो, सुनाते हो, वो है थर्ड क्लास मुरली, और जो टेप रिकॉर्डर से सुनते हो, जो एक्यूरेट सुनाता है वाणी, वो है सेकंड क्लास मुरली, और जो सन्मुख सुनते हो भगवान के बैठकर, वो है फर्स्ट क्लास मुरली। तो बताओ कोई मुरली आज सुनता है, पढ़ता है आप लोगों में से? है नहीं पढ़ता। इससे साबित हुआ कि जैसी यहां शूटिंग होती है, वैसा ही भक्ति मार्ग में चलन चलता है। क्या होता है द्वापर युग से, वेदों को कोई नहीं पढ़ता, वेदों की ऋचाओं का अर्थ भी नहीं समझना चाहता, क्या पुराण सारे भी पढ़ रहे हैं, महाभारत पुराण पढ़ते हैं, भागवत पुराण की कथा होती है, रामायण पुराण की कथा होती है, सुनते हैं, पढ़ते हैं या नहीं? ये विस्तार है, गहराई है। तो शूटिंग कहाँ की है?
है, अभी संगम की शूटिंग है, संगम में ये रिहर्सल हो रही है, है? तो जो व्याख्याकार है उस व्याख्याकार भी का भी नाम शास्त्रों में दिया हुआ है। क्या व्याख्याकार है? सांख्य शास्त्र का व्याख्याकार कौन? कपिल मुनि। जिस कपिल मुनि के नाम पर बसाए हुए नगरी का नाम कांपिल्य नगर पड़ा, उस कपिल मुनि ने जो सांख्य शास्त्र तैयार किया उसका अर्थ यह है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। क्या ज्ञान तो है, लेकिन कैसा ज्ञान? वेदों में ज्ञान तो है, लेकिन कैसा ज्ञान? जो वेदों की व्याख्या करके सुनाया गया, इंटरप्रिटेशन करके सुनाया गया, वो है सारा सांख्य शास्त्र। चाहे वो आरण्यक हो, चाहे शतपथ ब्राह्मण हो, चाहे ये उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, तो देखो ये टीचर का काम है। टीचर क्या करता है क्लास में? चाहे प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, उसका एक्सप्लेनेशन देता है या नहीं? व्याख्या देता है ना? नहीं देता है, तो वो है सुप्रीम टीचर। कौन है? कौन हुआ सुप्रीम टीचर? हूं बताओ, है? परम परम ब्रह्म शिव बाबा। शिव शिव बाबा और कोई? आत्माओं का बाप छूट गया है? शिव बाप। अच्छा, शिव बाप ने जो लंबी चौड़ी व्याख्या है जो टीचर देता है वो यज्ञ के आदमी क्यों नहीं सुनाई है? आदमी सुनाई व्याख्या नहीं? अच्छा, ब्रह्मा के द्वारा सुनाई है? ब्रह्मा से, ब्रह्मा और जो आदि वाला था परम ब्रह्म, उन दोनों के बीच में जो माताएं थी उनके द्वारा सुनाई व्याख्या गहराई से? नहीं सुनाई। तो अगर शिव बाप ही टीचर है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम टीचर शिव बाप ही है, तो पहले क्यों नहीं सुनाई? बोला भी है। अभी देखो, अभी कोई कहेंगे बाबा ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बताई? अरे पहले माँ का पार्ट है, माँ के पार्ट से भी पहले बीज बोने वाले बाप का पार्ट है, माँ के बाद फिर आता है टीचर का पार्ट। माँ बेसिक नॉलेज सुनाती है या हायर क्लास की नॉलेज सुनाती है? तो जब टाइम होगा वैसे ही किया जाएगा ना। तो टीचर का पार्ट जो है वो मध्य का है, पहले बाप, फिर बाप के साथ माता, फिर टीचर, फिर लास्ट में सदगुरु। और भी बताया और रोज बताते ही रहते हैं कि वो एक ही है, बाप, टीचर और सदगुरु। वो कौन है? वो बाप भी है, वो एक ही टीचर भी है। सदगुरु मिला दलाल, दलाल साकार या निराकार? साकार। तो बताओ वो एक ही साकार कौन है जो मनुष्य सृष्टि का बीज भी है, माना बाप भी है, मनुष्य सृष्टि में माता भी है, ब्रह्म बड़ी माँ, ब्रह्मा या जगदम्बा कह दो, जगत की माता भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और फिर लास्ट में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तो बताओ
हाँ सृष्टि का बाप है। सृष्टि साकार या निराकार? साकार। तो बाप भी साकार, साकार। तो टीचर भी साकार, साकार। तो सदगति करने वाला सदगुरु भी साकार। साकार। और जो बाप है, जो बीज बोता है, बीज को बाप कहा जाता है, वो बाप आदि में जो बीज बोने वाला है वो अंत में वर्षा देने वाला भी तो है। बाप हो और बच्चों को वर्षा ना दे तो बच्चे मानेंगे? हैं? मानेंगे? तो बताओ, अगर वो सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, तो क्या वर्षा देता है? बाप धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, ढेर सारे कारखानों का बाप होगा तो कारखानों का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। खुद होना चाहिए कि नहीं है? शिव को कहेंगे जमींदार बाप है? शिव को जमींदार बाप कहेंगे, धनवान बाप कहेंगे, कहेंगे है? जीवन मुक्त बाप कहेंगे? वो जीवन मुक्त है? है? वो जीवन मुक्त पार्ट बजाने वाला सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं है। जो जीवन मुक्त पार्ट बजाता है वो जीवन बंध में भी आता है। तो जो जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है वो स्वयं बाप जीवन मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे बताओ भाई, होना चाहिए जीवन मुक्त। तो वो पहले जो बाप है वो पहले खुद तो कमाई करे धनवान बनने की, तब बच्चों को धन देगा है? खुद धन को सिक्योर नहीं किया, खुद धनवान बना नहीं, बच्चों को धन का वर्षा कैसे दे देगा? तो पता चला इस मनुष्य सृष्टि में जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप कौन हुआ? जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति, ये साकारी स्टेज की बात है या निराकारी स्टेज की बात है? है? साकारी स्टेज की बात है। देवताओं को जीवन मुक्त कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? जीवन मुक्त कहेंगे। तो साकारी हैं या निराकारी आकारी हैं? साकारी हैं। तो उनका बाप वो भी साकारी होना चाहिए। कृष्ण जीवन मुक्त है तो बाप भी जीवन मुक्त होना चाहिए। तो यही बात हुई। अब सवाल पैदा होता है, वो आत्माओं का बाप फिर क्या है? ये सारे टाइटल तो ले लिए उसने, किसने? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। फिर वो मनुष्य सृष्टि का बाप का जो बाप है कि नहीं है? एवरलास्टिंग बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो क्या है? अरे वो भी कुछ है या नहीं है? प्रवेश करके सब, प्रवेश करके जीवन मुक्ति देता है, जन्म मरण में नहीं आएगा, प्रवेश करके ज्ञान देके उसको। वो क्या बाप है तो वर्षा देगा ना? बाप है, किस बात का बाप है? बाप हो और बच्चे को वर्षा दे नहीं तो बच्चा क्या कहेगा? हमारा बाप ना होता तो अच्छा था है? सबके बाप तो वर्षा देते हैं अपने अपने बच्चों को, चलो थोड़ा ज्यादा, हमारा बाप हमको कुछ नहीं दिया है? आप समान बनाते हैं एक को।
और सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? एक को बनाता है, इसी को बनाता है, मनुष्य सृष्टि के बाप को आप समान बनाते हैं, ऊपर वाला बाप। हाँ, ऊपर वाला बाप बनाता है आप समान, तो क्या देता है? अरे कुछ दे, वर्षे में कुछ देता है कि नहीं देता है? है? अरे ज्ञान का वर्षा। हाँ, उसके पास अखूट ज्ञान है, अखूट ज्ञान का भंडार है। क्या? इसीलिए गीता में लिखा, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी चीज पवित्र नहीं। क्या? इस दुनिया में ज्ञान के सिवाय और कोई भी चीज इतनी पवित्र नहीं। कोई कहे, अच्छा लक्ष्मी, लक्ष्मी इस दुनिया में पवित्र है या नहीं है? है। अभी क्या हालत है? अभी बकरी की तरह है या बबर शेर की तरह है या शेर है जंगल का? है? तो कान जिसने पकड़ लिया बंधन में है या नहीं है? है? तो काय का, तो पवित्रता किस काम की है? उसको भी पवित्रता, असली जो पवित्रता है उसका ज्ञान है, है? ब्रह्मा कुमारियों को असली पवित्रता का ज्ञान है, है? इस बात का ज्ञान है कि सबसे ऊंची प्योरिटी जो है वो राधा कृष्ण के बाप के पास है। कौन सी प्योरिटी? मनसा के वाइब्रेशन की प्योरिटी उनके पास है। उसके बाद नंबर दो जो प्योरिटी है वो दसों इंद्रियों में से आंख है, वो प्योरिटी है, आंखों की प्योरिटी। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है? ब्रह्मा कुमारियां जो एक ऊंचते ऊंच बाप है उससे दृष्टि लेती हैं, उससे आंख लड़ाती हैं, या ढेरों से आंख लड़ाती हैं? है? ढेरों से आंख लड़ाती हैं, तो दृष्टि पवित्र बनेगी अपवित्र बनेगी? अपवित्र बनती है। अब वो चाहे लक्ष्मी ही क्यों न हो, घर में कोई औरत हो किसी आदमी की और वो ढेर के ढेर मनुष्यों से बैठ के आंख लड़ाने लगे और पति आए देखे अरे ये तो इसके साथ आंख लड़ाई रही, तो उसको कुलच्छनी बोलेगा कि लक्ष्मी बोलेगा? क्या बोलेगा? कुलच्छनी बोलेगा। कुलच्छनी वैश्या को कहा जाता है, लक्ष्मी सधवा को कहा जाता है। तो देखो इस दुनिया में सबसे ऊंची चीज क्या है? सबसे जिसको ऊंचते ऊंचे कहा जाए ताकत, वो क्या है? पवित्रते पवित्र चीज क्या है? ईश्वर का दिया हुआ सत्य ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी झूठ की नहीं, कहे की सच्चाई की जानकारी, वो ऊंचते ऊंची चीज है। ऊंचते ऊंची चीज उससे प्योरिटी तैयार होती है। क्या? ऊंचते ऊंचे ज्ञान है तो ऊंचते ऊंच पवित्रता तैयार होगी। यादगार भी है, हमारे यहाँ यादगार है कि नहीं? क्या यादगार है? शिवलिंग दिखाया गया है और जलाधारी भी दिखाई गई, उन दोनों में ऊंच क्या दिखाया गया और नीचे क्या दिखाया गया? शिवलिंग ऊंचे है और जलाधारी, वो जल को धारण करने वाली है।
ज्ञान जल को धारण करने वाली है जलाधारी या पहले से ही है जलाधारी है? धारण करने वाली है, अभी धारण किया नहीं क्योंकि सत्य ज्ञान है ही नहीं, पूरी सच्ची व्याख्या गहराई से ज्ञान मिला ही नहीं, बाप का परिचय ही नहीं मिला, तो परिचय ही नहीं मिला तो सत्य ज्ञान कहाँ हुआ? तो बताया कि ऊंचे से ऊंची चीज है इस दुनिया में, पवित्र से पवित्र चीज है क्या? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? एक ऊंचे से ऊंचे बाप का दिया हुआ ज्ञान। कैसा ऊंचे से ऊंचे बाप? जिसका कोई बाप, यानी इस मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे है आदम, एडम, प्रजापिता, आदिदेव है, लेकिन उसका भी कोई बाप है या नहीं? है ना? जो बाप है वो, उसको बाप से क्या मिलता है? उसे एक को ही मिलता है, है ज्ञान का अखूट भंडार मिलता है, एक को मिलता है। ये परंपरा चली आई है हिस्ट्री में राजाओं में। क्या परंपरा? बड़े बच्चे को राजा दी। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़े से बड़ी पार्टधारी आत्मा कौन सा बच्चा? कोई बच्चा बड़े से बड़ा है या नहीं? कौन? अरे कुछ तो बोलो, है? प्रजापिता, आदम, एडम। तो उस बच्चे को शिव बाप सिलेक्ट करते हैं। सवाल है क्यों सिलेक्ट किया? ये तो पार्शलिटी कर दी। आत्मा आत्मा सब भाई भाई, सभी बच्चे हैं, सबको सिलेक्ट करना चाहिए, एक को ही क्यों दिया सारा ज्ञान का भंडार? है सच्चाई के लिए है वो सारा जीवन सच्चाई के लिए। देवताओं में तो देवताई जमाने में झगड़े की संघर्ष की बात है ही नहीं, लेकिन जब संघर्ष की दुनिया शुरू होती है, द्वैतवादियों की दुनिया शुरू होती है, तो द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक वो संघर्ष करता है सच्चाई के लिए। क्या? सच्चाई के लिए संघर्ष करता है। और वो जानता है कि नहीं जानता है? त्रिकालदर्शी वो जानता है, इसलिए वो उसी को चुनता है, औरों को नहीं चुनता। इसलिए मुरली में कहा है ऊंचते ऊंच बाप जब आते हैं आत्माओं का, तो किस पर फिदा होते हैं? है किस पर आशिक होते हैं? है हाँ, परम ब्रह्म पर आशिक होते हैं। आशिक होने वाला पुरुष होता है या स्त्री होता है? है पुरुष होता है। और माशूक स्त्री होती है। स्त्री क्यों? अरे फीमेल माने स्त्री, जैसे करंट होता है ना बिजली, तो एक फीमेल प्लग होता है और एक मेल होता है। तो वो जब आता है तो प्रवेश करता है ना, नहीं करता? और ये भी कहता है मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा बड़ी अम्मा रखूंगा, ब्रह्मा रखूंगा। तो फीमेल हुई या मेल हुई? फीमेल हुई। उनमें परम ब्रह्म भी है। तो परम ब्रह्म जिसे मैं पहले पहले प्रवेश किया वो हो गया ऊंचे ते ऊंचा इस सृष्टि का संभालने वाला। क्या हुआ? ऊंचे ते ऊंची इस सृष्टि को संभालने वाली आत्मा, पूरा शरीर रूपी जो वो सृष्टि रूपी जो दुनिया है, संसार है, इस संसार की इस सृष्टि का संभालने वाला कोई बाप है या नहीं है?
जो है बस उसी का आधार लेता है। आधार लेकर के तो जिसका आधार लिया वो माता हुई या नहीं है, क्योंकि शरीर है इसलिए माता हुई, और देहभान में है या नहीं। जिसका आधार लिया वो इस मनुष्य सृष्टि में पतितम कामी कांटा है या नहीं, देहभान के आधार पर है या बिना देहभान के, तो माता हुई। उसमें भले आत्मा है लेकिन आत्मा देहभान की मिट्टी में अच्छी तरह से डूबी हुई, तो माता है। लेकिन उस माता में भी पुरुष है या नहीं, पूर्व माने शरीर रूपी पुरी, शा माने शयन करने वाला, आत्मा है या नहीं, पुरुष माने आत्मा। उस देहभान 100% में रची पची कोई आत्मा है या नहीं, नहीं है, है। जो आत्मा है वो उसका पहला पहला बच्चा है, बड़े में बड़ा बच्चा, उसको वर्षा देता है। क्या वर्षा देता है, भले रथ लेता है लेकिन रथ को थोड़ा ही वर्षा देगा। अरे माता को कोई वर्षा देता है दुनिया में, अरे अभी तक भी ये दुनिया में चलन क्या थी, बच्चों को वर्षा देते थे बाप या माँ वर्षा लेती थी, माँ वर्षा लेती ही नहीं, सब कुछ बच्चों को सौंप देती, तो वो भी परम ब्रह्म ऐसे ही है। उसके लिए गायन है, वो फकीर है, फकीर बनकर के रहता है या राजाई का ताज धारण करता है, है? फकीर बनकर रहता है क्योंकि परम ब्रह्म है। गाया जाता है क्या, बिना ताज का बादशाह, ताज नहीं है, प्योरिटी का भी ताज नहीं है, है, है? विषपाई है, प्योरिटी का भी ताज नहीं है और नई दुनिया की स्थापना करने का भी ताज नहीं है। वो ताज भी ब्रह्मा को मिल गया। नई दुनिया की स्थापना कौन करता है, है? प्रजापिता करता है, कौन करता है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। अरे ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, वो कैसे करेगा, है? वो ही ब्रह्मा जिसने, आत्मा तो है ना, वो थोड़ा ही मरती है, वो ही ब्रह्मा जिसने शरीर छोड़ दिया वो कोई माता में प्रवेश करता है। जिस माता में प्रवेश करता है उसको चंद्रमा दिखाते हैं। क्या, जो चंद्रमा दिखाते हैं वो माता है जगदम्बा। तो जगदम्बा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना भी होती है। क्या तुम तो माताएं ही निमित्त बनती हो स्वर्ग का गेट खोलने के, तो जो स्थापन करेगा वो स्वर्ग का गेट खोलेगा भी, पहले घुसेगा भी, ऐसे ही वो न जिम्मेवारी का ताज धारण करता न पवित्रता का ताज धारण करता, फिर करता क्या है। अरे कुछ करता है, ऐसे ही विश्व की बादशाह, विश्व का बादशाह कहा जाता है, विश्व का मालिक कहा जाता है, कुछ भी नहीं करता। इधर बाबा भी मुरली में बोल देते हैं ब्रह्मा के मुख से, शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं। तो जब करता धरता कुछ भी नहीं है तो उसको इतना बड़ा लकब कैसे मिल जाता है, जो दुनिया के किसी भी महत्वाकांक्षी को, धर्मावलंबी को नहीं मिला, न हिटलर को, न नेपोलियन को, न अलेक्जेंडर को, है वो कुछ नहीं करता है, फिर भी सिर्फ योग बल के आधार पर विश्व की बादशाह ही ले लेता है। तो इसको कहते हैं राजयोग। इस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है, जो राज घराने में आने वाली आत्माएं हैं, राजयोग सीख करके
जन्म जन्मांतर राज घराने में आती हैं, उनकी संख्या कितनी बताई शास्त्रों में? 16,108। और मुरली में भी 16,108। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने राजयोग सीखा है। चलो, शुरुआत से नहीं सीखा, बीच में सीखा होगा, बीच में नहीं सीखा, अंत में सीखा जरूर है। और डायरेक्ट सीखा है या इनडायरेक्ट सीखा है? है डायरेक्ट कनेक्शन किया है योग, योग माने कनेक्शन, तो डायरेक्ट कनेक्शन किया है इंद्रियों के साथ किया है, कोई ने श्रेष्ठ इंद्रियों से किया, कोई ने श्रेष्ठ इंद्रियों और भ्रष्ट इंद्रियों दोनों से किया, कोई ने वाइब्रेशन से भी किया, यथा राजा तथा प्रजा। जो नर से नारायण बनते हैं उनकी प्रजा भी कैसी होगी? यथा राजा तथा प्रजा होती होती है। तो कनेक्शन जरूर जोड़ते हैं, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कनेक्शन जोड़ने वाले हो, चाहे भ्रष्ट कनेक्शन जोड़ने वाले हो, लेकिन जो भी जैसा भी कनेक्शन जोड़ते हैं उनको याद आएगा कि नहीं है? याद। जगदम्बा है, किसका मिसाल दिया? जगदम्बा का। सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा इस दुनिया की कौन बनती है? है? कैसे है? तो महाकाली बनती है तो गायन होता है, राज करेगा सारी दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, उनके ऊपर राज कौन करेगा? शंकर नहीं करता। प्रैक्टिकल में 108 मणकों को सौंपता है, बच्चों को राजा ही देता है। उनमें उन 108 राजा बनने वाले बच्चों में ऊंचते ऊंचे दो मणके कौन, जो भगवान के बिल्कुल नजदीक है? जगत पिता जगदम्बा। तो राजा ही सौंपेगा या नहीं सौंपेगा? तो राज करेगा खालसा, सारी मनुष्य सृष्टि के ऊपर राज करती है। उनके देवान को मारती भी है ज्ञान कटारी से, नहीं मारती, ज्ञान कटारी से मारती भी है, और मार करके उनके ऊपर राज्य भी करती है। मारती माने कोई जान से मार देती है, है? जान से नहीं मार देती, जिस बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि थे, जिस बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि थे, बाप के बच्चे थे, फिर बच्चे बन करके कुछ न कुछ श्रीमत के बरखिलाफ चले, तो क्या कर देती है? सब पतित इस दुनिया में, पतितों का सर कलम कर देती है और उनके ऊपर राज करती है। तो देखो इतनी ताकत कैसे आ गई उसमें, कैसे आई? अरे कुछ तो किया होगा, है? संग किया, औरों के मुकाबले जास्ती संग का रंग लिया या कम लिया? है जास्ती संग का रंग लिया, ऐसे नहीं श्रेष्ठ इंद्रियों का ही लिया, क्या भ्रष्ट इंद्रियों का भी संग का रंग लिया तो भी
औरों के मुकाबले सबसे जास्ती लिया, तो ताकत आई या नहीं आई? जो भी संघ का रंग लिया जाता है, जो भी सुख लिया जाता है, वो याद आता है या नहीं आता है? चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का सुख हो, याद आएगा कि नहीं आएगा? और श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ से लिया तो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ संघ का रंग लगा, इसीलिए जगदम्बा को वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करती है। ये है राजयोग बताया। जो पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने, उनको पूजने लगे, अभी नोताज, अभी की जो राजाएं हैं उनको नोताज, नोताज माने प्योरिटी का ताज भी नहीं, और नई दुनिया स्वर्ग बनाने का, सुख की दुनिया बनाने की भी जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं, नोताज। अभी वो भी खलास हो गया, क्या जिम्मेवारी का ताज भी खलास हो गया, स्थूल ताज भी खलास हो गया। अभी फिर आकर के पूज्य थे पूज्य बनाओ, कौन बनाए उसकी पहचान दो, किसकी उसकी पहचान दो, जो आकर के पूज्य थे पूज्य बनाए, किसकी पहचान दो? ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, 33 करोड़ देवताओं की, किसकी पहचान दो? जगदम्बा की, लक्ष्मी की, किसकी पहचान दो? है शिव बाप की, शिव बाप की पहचान अभी तक नहीं मिली। हम आत्मा बिंदी, हम बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप भी बिंदी, पहचान नहीं मिली, पहचान दो क्या? पहचान मिल गई तो पहचान दो क्या? पहचान मिल भी गई कि वो निराकारी बाप है, निराकारी बाप से क्या वर्षा चाहिए? निराकारी वर्षा चाहिए, साकारी वर्षा चाहिए, निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है, तो मिला नहीं। बाप तो कहते हैं मेरे पास जो भी ज्ञान था सारा ज्ञान मैंने तुम बच्चों को दे दिया, लेने वालों ने लिया, न लेने वालों ने नहीं लिया। तो बाप ने तो अपने पास कुछ नहीं रखा, जो आत्माओं का बाप है। फिर पूज्य थे पूज्य कौन बनाए? है? अरे खुद पूज्य बने तब पूज्य बनाए कि खुद बने नहीं तब पूज्य बनाए? तो वो यादगार क्या है भक्ति मार्ग में, उसके पूज्य बने की क्या यादगार है? है? शिवलिंग। ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? वो शिवलिंग किसकी यादगार? ब्रह्मा बाबा की यादगार है। ब्रह्मा बाबा शिवलिंग है, है? ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं शिव निराकार की यादगार है, लेकिन वो शिव निराकार तो कहता है मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। जब वो पूज्य बनता ही नहीं तो शिवलिंग उसकी यादगार कहाँ से हो गई? तो शिवलिंग किसकी यादगार है? जो पुरुषार्थ करके याद करके पूज्य बनता है उसकी यादगार है। और पूज्य सिर्फ आत्मा ही बनती है कि शरीर भी बनता है? मुरली में बोला है तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। आत्मा को भी विषय सागर से पार ले जाएगा और शरीर को भी विषय सागर से पार ले जाएगा, यह शरीर खत्म कर देगा, पार ले जाएगा। ओम शांति।